साहिबा को पहचानते हैं। और एकता मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, आंचल उनके साथ रह के ये ब्यूटीफुल शो उन्होंने क्यूरेट किया है। एक्चुअली ये शो शो नहीं है, ये हर किसी के दिल तक पहुंचने वाली बात है जो हम एक शो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि आपने देख चुके होंगे कि जो ईच एंड एवरी आर्टिस्ट जितने जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है उन्होंने कितनी दिलों जान से इसमें अपनी जान डाली है, उनके एक एक स्टेप से आपको पता चला हुआ उसमें कितनी एनर्जी लगती है, और वो परफॉर्मेंस इनके उनसे निकालना ये सब इनका काम है। और मैं बहुत 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 इससे इम्प्रेस्ड हूँ ये शो से, ना कि जस्ट बिकॉज इट्स अ कंटेम्प्रेरी डांस, इट्स अ ब्यूटीफुल म्यूजिक, इट्स एवरीथिंग इज़ देयर, बट इट टचेस योर हार्ट। मैं सेकेंड टाइम ये देख रही हूँ शो, और जो भी हमने कम्युनिकेशन करते रहते हैं ये चेंजेस कर रहे हो, रोज़ कुछ ना कुछ इसमें ऐड किया जाता है, और हर वक्त मेरे दिल को वो छूती है बात। मैं एक महिला हूँ और मुक्ति फाउंडेशन जो भी हम कॉज करते आ रहे हैं आज तक, हम इस तरह से कनेक्ट हो गए, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतनी जल्दी इस पर्टिकुलर प्ले से इतना कनेक्ट कर पाऊँगी। आपने सभी ने देखा होगा कि मुक्ति फाउंडेशन हमेशा कल्चरल को प्रमोट करती है, और हमने ऑडिटोरियम किया है और बहुत सारे शोज़ किए हैं, इवेंट्स किए हैं, पर ऐसे कई शोज़ होते हैं या ऐसे कई प्लेज होते हैं जो अपने दिल तक पहुंचते हैं, और उसमें से ये एक है। तो मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पूरे टीम का, साहिबा का, कि मुझे इसमें इन्वॉल्व किया, मुक्ति फाउंडेशन को इसमें इन्वॉल्व किया, और मैं कोशिश करूंगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ना कि हमारे मुंबई में पर ऑल ओवर इंडिया, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं बाहर भी लेके जाऊंगी, क्योंकि इसमें जो व्यथा दिखाई है या इसमें जो इमोशंस दिखाए हैं एक औरत के, वो हर ऑल ओवर द वर्ल्ड सबके सेम है, सबके जीवन में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं और हम उसको रिलेट करते हैं। तो जिस तरह से उसको इन्होंने परफॉर्म किया है, वो रोंगटे खड़े उठते हैं मेरे, तो अभी भी मैं वो सोचते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े उठते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये शो टॉक ऑफ द टाउन होगा। ये मेरे लिए एक इच्छा है, मेरी प्रार्थना है, ना कि सिर्फ मेरे लिए पर हर एक महिला के लिए और हर एक घर में। मिस ये आदमी होने के बावजूद जो इन्होंने इमोशंस दिखाया है वो बहुत ही उम्दा इमोशंस दिखाया है एक औरत के, जो जब तक आप उनके हृदय तक पहुंचते नहीं है वो इमोशंस दिखाना भी बहुत मुश्किल है। और हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, इवन मेल आर्टिस्ट ने भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, मैम, नॉट जस्ट प्रेजिंग देम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बट इट्स कमिंग फ्रॉम माई हार्ट, रियली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप विद सच अ वंडरफुल प्ले, एंड मैनी मोर टू कम। हाँ, मैं पहली बार देखा तभी भी मैं रो पड़ी, मैं तो थोड़ी सी इमोशनल हूँ, और मुझे लगता है कि हर किसी के किसी भी औरत जो इमोशनल होती है, यूजुअली औरतें इमोशनल होती है, तो उसको छुएगी वो बात, तो किसी की आंखें नम होगी, वो कंट्रोल करना पड़ेगा कि आंखों से आंसू ना आ जाए, पर खैर यही हमारे लिए रिवॉर्ड है, ये इनके लिए रिवॉर्ड है कि दिल तक छू गया। बस आज की सच्चाई है जो आजकल चल रहा है, पिछले 6 महीने की अगर बात करें, साल भर की, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल बहुत सारी सच्चाई है, सच्चाई है पूरी, सच्चाई है यहाँ की, आधा घंटे के अंदर सब चीज़ें। हाँ, एक्चुअली आज भी हम लोग जो सती जो इन्होंने टाइटल दिया है, सती का मतलब सिर्फ वो सती प्रथा के लिए नहीं है, सती हर किसी के अंदर है, उसने हर मोड़ पे अपने सैक्रिफाइसेस दिए हैं, हर एक औरत ने अपने अपने मोड़ पे घर में दिए हैं, सोसाइटी में, वही दिखाया गया है इसमें, तो मेरे ख्याल से हर किसी से वो कनेक्ट करेगा, और अभी भी करता आ रहा है। अभी भी हम लोग सिटीज़ में रहते हैं, सिटीज़ में शायद हम बहुत ही एडवांस हो गए हैं, औरतें कई कहाँ पहुँच गई है, पर अभी भी कहीं ऐसे जगह है जहाँ औरतों को ऐसे बर्ताव किया जाता है, उनसे ऐसे बर्ताव किया जाता है, तो वो मेरे ख्याल से अभी भी काफ़ी रिवॉल्यूशन लाना ज़रूरी है हमारे लिए। टाइटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? टाइटल जो है सती दत्त, मैं आपको कुछ बताऊँ इसके बारे में, क्योंकि हम सर और मैं
ये 6 महीने से जी रहे हैं। सती का हर शब्द हर पल सुबह से लेकर शाम तक, सुबह की सोच अलग थी, शाम की सोच अलग थी। ये सती कहानी ना इन सब आर्टिस्टों की कहानी है। टुडे छोटी सी चीज़ है, आई हैव अ फैमिली जिसमें ना बच्चे बीमार हैं, सबके घर में होते हैं। मेरे हस्बैंड मेरे पैशन को देखते हुए, हम बच्चों को हॉस्पिटल से लाते हैं। मेरे हस्बैंड बोलते हैं, आंशिल जा सुबह अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जा, पर किसी को बोलना मत, ये लोग क्या कहेंगे कि बच्चा आया घर और माँ चली गई नाचने। पर उन्हें नहीं पता कि ये नाचना नहीं है, ये मेरी पूजा है। और ये पूजा को समझा इन्होंने, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इन सबके साथ खड़ी रह सकूं। ऑल दीज पीपल आर बिगर आर्टिस्ट देन मी, एंड इन्होंने मुझे उस काबिल बनाया कि मैं इन सबके साथ खड़ी रह के नाच सकूं। क्या बात है। एवरी मेल मेंबर ऑफ दिस टीम इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द फीमेल आर्टिस्ट। यस, हर पल उन्होंने हमें सपोर्ट किया। हम रोते थे तो हमें संभालते थे, हम हंसते थे तो हमारे साथ मिलकर हंसते थे, हम टूटते थे तो हमें जोड़ते थे। सर आप क्या करें, कितनी मेहनत की आपने, कितने दिन की मेहनत आपकी है? सर इसको तो 6 महीने के ऊपर हो गए, पर बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच स्मिता मैम, जो मतलब आपके आने के बाद हमारी हिम्मत डबल हो गई, और एकता मैम के आने के बाद लेकिन हौसले और बुलंद हो गए। सती अगर आप जानो तो बहुत सिंपल मेरे लिए एक वर्ड है सर, मेरे अम्मी जब थे हयात थे, वो जिंदा थे, अब नहीं है, तो हमेशा एक बात बोलते थे कि उसकी आवाज़ बन जो बोल नहीं सकती, उसकी हिम्मत बन जिसके हाथ नहीं है। कुछ दिनों तक मैं बच्चा सोचते रहा, देन आफ्टर फ्यू मंथ्स मैं उनके पास गया, मैं बोला माँ आप ही मेरे को लगता है वो बंदी हो जिसे मुझे लगता है कि मैं उनकी आवाज़ बनूँ, क्योंकि आप घर के मेन होने के बाद भी आप बोल नहीं सकते, अपनी मांग नहीं रख सकते। सो उसके बाद जब मैं आंचल से मिला अभी 5-6 साल पहले, तो कोई ना कोई स्टोरी मेरी मम्मी जैसी लगी इनकी भी, हालांकि टाइम चेंज हुआ, हमारी गरीबी वो टाइम थी, अब अमीरी देखा मैंने, फिर वहाँ पे मुझे भी एक मम्मी दिखी, फिर वी हैव थॉट कि नहीं ये बनाना है और इसको सबके सामने लाना है। फिर जब ये बन गया तो एक मम्मी एकता में हमसे जुड़ी, उनका भी मैंने चीज़ें उनसे भी कुछ शेयर की, फिर एक और मम्मी मिली, तो बस यही है, हम चले थे अकेले और लोग साथ आते गए और काफी कारवा बढ़ता गया। सर 15-20 मिनट में पूरी फिल्म में 2-3 साल लगे थे, ये 1 घंटे का शो है, 1 घंटे का शो। तो मतलब एक एक आर्टिस्ट के बारे में क्या कहना, जो एक एक स्टेप के बिल्कुल याद करने वाले थे। सर एक्चुअली यहाँ पे कुछ कुछ जो 1 घंटे के शो में मेरे ख्याल से 20 मिनट जो है वो एक एक आर्टिस्ट की खुद की स्टोरी है, तो इसीलिए बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाता है सब लोगों के साथ, क्योंकि ये इट्स नॉट अ स्क्रिप्ट राइटिंग थिंग, ये ऐसी चीज़ नहीं जो एक राइटर ने लिख के उन्हें दे दिया, मैंने कुछ उनको लिख के दे दिया, आई हैव टोल्ड देम कि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, वो उनकी लाइफ में जो लड़कियों की लाइफ में चीज़ें जो गुजरी है वो अपने मुँह से बयां कर रहे हैं, इसीलिए मेरे ख्याल से पूरा हम एक स्टोरी 1 घंटे के अंदर कवर कर पाए। सर आप डायरेक्ट की जाए, लोग बताते हैं कि घर से बाहर जब निकलो तो आप सेफ रहो, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो घर से ही शुरू होती है, तो इसके लिए किस तरीके से आपने ये चीजें सोची हैं? हमारा इसमें एक बहुत अच्छा एक पार्ट है जो हमने आज नहीं दिखाया बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट, मॉडर्न सिटी हमने एक पार्ट रखा है उसमें, उसमें 4 छोटी-छोटी स्टोरी है जहाँ पे दिखाया हुआ है कि रात को भाई बाहर जा सकता है बहन नहीं, और जहाँ दिखाया है कि एक बीवी काम पर है और पति घर में है, उसके बावजूद अगर काम पे से फ़ोन आ जाता है तो उसको कितनी इनसिक्योरिटी हो जाती है, तो उसमें एक 4 डिफरेंट स्टोरीज है। आई थिंक जब आप लोग मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ कि आप सब आए शो देखें और आप सब ये चीज़ को आगे भी बोलें। बेसिकली हमारा जो पूरा एक डांस फॉर्म जो है कंटेम्प्रेरी और क्लासिकल हमने मिक्स करके बनाया। कंटेम्प्रेरी बेसिकली इट्स ऑर्गेनिक मूवमेंट जहाँ पे नेचुरल मूवमेंट्स होते हैं, और क्लासिकल जो हमारा बेस है इंडिया का वो एक
इस दोनों का एक मिक्सर है हमारा ये शो, और मैसेज बहुत क्लियर है। यहाँ पे हम एकता की बात कर रहे हैं, हम एकता मैम की नहीं, एक यूनिटी की बात कर रहे हैं, एक लाइक यू नो एक सम्मान, जैसे कि जो हम ये भूल जाते हैं कि हम भी एक नारी के घर से हम आए, पे जन्म लिए, और बस ये वैसे समाज है कि वो समाज में जिनसे हम पैदा हुए उनको ही दर्जा देना पड़ रहा है। सो बस एक स्टोरी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आपके साथ इतनी स्ट्रॉन्ग वो माय मुझे लगता है कि हर औरत में वो शक्ति है, और वो उसको सिर्फ एक कहीं ना कहीं उसको एक साथ चाहिए या ट्रिगर चाहिए, और वो ट्रिगर अगर मिल जाए तो वो कहीं अपना पूरी अंदर की शक्ति बाहर निकाल के कहीं ना कहीं अपना मुकाम हासिल कर लेती है। और हमारी शुरू से यही रही है मुक्ति फाउंडेशन के भी, जब हमारे यहाँ जितनी भी औरतों को हमने एम्पावर किया है, जो भी जो हमने मार्शल आर्ट सिखाया है, हमने जो भी किया है, पर मेरे ख्याल से हर औरत की वो जो शक्ति है उसको समाज ने इनक्रेज करना ही है, अपने घर वालों ने ज़्यादा इनक्रेज करना है, क्योंकि आज शक्ति जो नारी शक्ति में जो पावर है उसका इस्तेमाल करो, अपना घर सशक्त बनाने का इस्तेमाल करो, अपना समाज सशक्त बनाने का इस्तेमाल, ना कि हम तुम औरत हो या मैं मर्द हूँ, ये जो भेदभाव है हमारा उद्देश्य यही है। ये एक छोटा सा प्रयास है, और ऐसे कई सारे प्रयास होंगे जिसको तब तक लेके जाएंगे जहाँ वो ये फर्क न महसूस हो। राइट हाँ, सती इज एक्चुअली अबाउट सेक्रीफाइस। जो सेक्रीफाइस हम सती के टाइटल में आता है कि वो सेक्रीफाइस औरतों को साथ में जला के कर दिया जाता था, वो तो बहुत पुराना हो चुका। वो हमारे लेवल्स चेंज होते गए हैं लेकिन सोच अभी भी बदली नहीं है। तो जब तक ये सोच पूरी तरह बदल नहीं जाएगी तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट पे चीज़ें बनती जाएंगी, लोगों को प्लेटफॉर्म मिलते जाएंगे, चलते ही रहेंगे, क्योंकि ये चेंज आना पूरी तरह जो कि सोच में है वो आना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लेवल्स चेंज हो रहे हैं, आज भी 5 साल की लड़की का रेप हो रहा है, ये लोग चेंज ये नहीं कह सकते कि आज नहीं हो रहा है। आज भी एक लड़की छेड़ी जाती है, आज भी निर्भया हुआ है, आज भी यही सब जो हम सब बैठे हैं, क्योंकि हमें छूती हैं चीज़ें, क्योंकि हमारे आसपास हुई हैं, शायद हमारे साथ भी हुई हैं, या हमारे आसपास हमें इतना कुछ देखने को मिला है इस सब्जेक्ट के ऊपर कि सिर्फ ट्रांसफॉर्म हुआ है, यू नो आज बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं, बट डीप डाउन रूट अभी भी ये चल रहा है। और जब तक चलता जाएगा, ये इस तरह के शो बनते जाएंगे, साहिबा सर जैसे लोगों के अंदर ये सोच पनपेगी, आंचल जैसे और ये सारे बच्चों जैसे इसी स्ट्रेंथ के साथ शो करते जाएंगे और बिलीव सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, और हम तो करते जाएंगे। क्यों स्मिता जी, ज़्यादातर औरतों में जो हिम्मत पैदा करने का काम शायद ये ऐसे शोज करेंगे। yes. जो भी घर में भी जिस ये प्ले में भी दिखाया कि घर में शायद वो सहती जाती है, बात करने की उनकी हिम्मत नहीं होती है, तो ये हिम्मत हमको जुटानी है, उनमें हिम्मत लानी है, और प्रयास यही रहेगा यही लोगों तक पहुँचाना है। चलो वो बंदा अगर जिसने ये गुनाह किया है उसको एटलीस्ट ये कहीं ना कहीं महसूस हो कि अरे जो मैंने किया वो गलत है, तो हम लोग किसी 10 लोगों की अगर सोच बदले तो भी हमारे लिए वो कामयाबी होगी। और यहाँ पे मैं एक और बात ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे स्मिता जी जैसे मुक्ति फाउंडेशन जैसे कई संस्थाओं ने इस टॉपिक पे जो इतने सालों से एफर्ट किया है, अपना योगदान दिया है, वही रीज़न है आज कि इतना चेंज आया है। और सोचिए अगर हम अगले 10 साल यही प्रयास को जारी रखेंगे तो कितना चेंज आ जाएगा। बस मुक्ति फाउंडेशन तो है ही आपके साथ, बस हमेशा रहेगी। और ये टॉपिक सिर्फ एक
फाउंडेशन और एक ग्रुप पे सीमित नहीं हो जाती है, ये हमें स्प्रेड करते रहना है. और जितनी भी फाउंडेशन इस पर्टिकुलर जॉनर पे काम करेंगी, और बहुत सारे साइबर सर और बहुत सारी ऐसी टीम और आंचल या मैं या स्मिता जी मुक्ति फाउंडेशन जितना काम करते जाएंगे, आई थिंक उतनी सोच बदलती जाएगी. और मेरे ख्याल से आप सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं. बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो मैसेज आप स्प्रेड कर सकते हो वो किसी में हिम्मत नहीं है. बिल्कुल, आप हमारी आवाज में ताकत है, वो और किसी में नहीं है. सती हम सबके घरों की कहानी है. हम सबकी बेटियां आज भी सुबह 5 बजे निकलने में डरती है, रात के 10 बजे के बाद निकलने में डरती है, भले वो बॉम्बे हो या दिल्ली हो. आज भी हम, मैं 40+ हूँ, बट फिर भी मैं 5 बजे निकलने से पहले मेरे हस्बैंड बोलते हैं संभाल के जाना. आज भी मैं डरती हूँ कि भाई कहीं मेरी गाड़ी कोई ना रोक. सो ये कहानी सबकी है. हमारा, हमें जब ट्रेनिंग दी गई, हमें ये नहीं कहा कि औरतें रोनी चाहिए, हमें ये कहा गया कि आदमियों तक ये बात पहुँचनी चाहिए, उनकी आंखों में आंसू आना चाहिए, तब आप समझना कि आपने परफॉर्म किया. मैम क्या लगता है किसकी सोच बदलने ज़्यादा ज़रूरी है? जैसे लेडीज होती हैं तो उन्हें समझाया जाता है कि आप ऐसे कपड़े पहनो या आप ऐसी चीज़ें करो, लेकिन लड़कों को ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एजुकेशन का किसे ज़रूरत है? मैम पूरे समाज को, पूरे समाज. क्योंकि लड़कियों को ये समझना है कि नहीं, हम ये कर सकते हैं, हम जी सकते हैं, ये हमारा हक है. और लड़कों को ये समझना है कि इनको जीने दो. एक्चुअली तो ये बदलाव घर के बड़ों से लेके छोटों तक है, हर पिता, हर भाई, हर पुरुष के लिए है ये चेंज, और पूरे समाज के लिए है. ऐसा नहीं है, औरतें भी औरतों की दुश्मन है. स्मिता जी ने अपनी संस्था में ये काम करके देखा है, वहाँ भी वो सोच बदलने की ज़रूरत है. बहुत तो ये सोच खाली सीमित नहीं हो जाती कि मेल जेंडर पे, कि मेल है या फीमेल है, ये यूनिवर्सल है. तो रिस्पेक्ट वुमेन, ये हमारा ग्लोबल संदेश है सबके लिए. और हम बहुत बहुत दिलों को छू जाए वहाँ तक के लिए काम कर रहे हैं. और जैसे कि मैंने कहा कि ये स्प्रेड होता ही रहेगा, ये सेक्रीफाइस, वुमेन के सेक्रीफाइस की बात है. नॉट ओनली यू नो यू आर टारगेटिंग दैट यू आर स्टेपिंग आउट एंड यू आर समबडी इज़ टारगेटिंग यू. ये एक छोटी से छोटे सेक्रीफाइस जो एक औरत करती है, वो सेक्रीफाइस जो औरत को जला के किया जाता था, आज ये सेक्रीफाइस है कि वो एडजस्ट करती है. एक छोटी सी चीज़ के लिए भी औरत ही एडजस्ट करती है घर में, चाहे वो बच्चों के लिए, चाहे वो पेरेंट्स के लिए. और ये शो जो जिस तरह से इन्होंने किया है, अपने खुद के पैसों से यहाँ तक लेके आया है और सबके अपने अपने एफर्ट्स डाले हैं, आज तक किसी का हम इनको साथ नहीं मिला है, जो कि मुझे पता है कि आज साथ नहीं तो मिला है ना, बहुत नहीं तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्प्रेड होने के लिए किसी का साथ होना, पैसे तो सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बाकी इतना टाइम जाया हो रहा है, इतना जो भी है, हर काम, अच्छे काम के लिए कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट ज़रूरी है. तो वो मैं सब आप सभी को कहना चाहूँगी कि जो भी जितना भी आप स्प्रेड कर सके और जितने भी लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड काम करते जाएंगे. क्योंकि ये शो को, ये सोच को हम लोग सिर्फ इंडिया में नहीं, हम क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड हमें ले जाने का के लिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए. थैंक यू. मेल्स हैव ऑल्सो चेंज्ड बट द सोसाइटी प्रेशर उन्हें चेंज होने नहीं देते. औरतें भी उन्हें चेंज नहीं होने देती. नेबर्स बोलेंगे अरे तुम्हारी बीवी गई. द मेल वॉन्ट्स टू सपोर्ट. देर आर लॉट ऑफ मेल्स हु हैव चेंज्ड. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू ऑल, यस, लॉट ऑफ यू ऑल हैव चेंज्ड, बट समहाउ सोसाइटी प्रेशर डजंट अलाउ यू टू चेंज. नो प्रेशर, वी हैव टू सी whether to take the pressure or not to take. Yes. It's again whether to let it affect us or no. Thank you. Okay. Thank you so much. बस बस यार थोड़ा खुश हो जाए, नज़दीक के थोड़ा अंदर हो जाइए थोड़ा सा.